औरजेब हमारे गुरुओं के शीश काटे उसने हिस्ट्री है अरे हिस्ट्री है भाई देखिए कोई भी क्रूरता रहेगा या तो नथुराम गोडसे हो या कोई भी हो हम तो उसको भी दिखाए? करते हैं जिसने फादर ऑफ नेशन का कत्ल कर दिया था फर्स्ट आतंकवादी जो देश so का कोई नतुराम तो नतुराम करते के करते करते साथ नहीं है ना आप तो क्या आपको लगता है तो मंदिरों को आप देख के सवाल का जवाब दीजिए आप सवाल का जवाब दीजिए आप पैदा हुए थे औरंगजेब के टाइम में ना मैं पैदा हुआ था जो हिस्ट्री हिस्ट्री सबके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मगर वहां जिसने गुरु का तो जिसने का, जाना जाना का जिसने गुरु काटा जिसने गुरु का शीश काटा उसके यहां फतिया पढ़ना जायज है और किस इंटेलिजेंस का फेलियर था जब आप फतिया पढ़ने गए थे अरे भाई दो हजार बाईस का फातिया पढ़ना फूल करना एक मुसलमान जो होता है ना जो मरूम हो गया पढ़िए पढ़िए उनके जाके फातिया पढ़ते नहीं पढ़िए पढ़िए लेकिन नहीं चलिए बोलिए आजात क्या पढ़ते हैं बोल दीजिए आज के बाद ब्रिगेडियर उस्मान जाएगा? क्या पढ़ते नहीं जाएंगे भाई ब्रिगेडियर उस्मान क्या पढ़ते हैं सही है ना कि फतैया पढ़ने के लिए आपको बुराणवाणी और औरंगजेब मिलता है और नथुराम गोडसे के लिए जो जय जय करते हैं कोई अगर कोई करता है तो उसको कंडम करता है अमित देवगढ़ दमके की चोट पे करता है नातुरां नातुरां क्या से भारत था ना है ना, था, ना होगा कोर्ट से थार देश राम का था है और रहेगा यह देश गांधी का है और रहेगा ऐसा नहीं सुनिए सुनिए आप क्या देश को हिंदुत्व राष्ट्र मानते हो कोई यह देश लोकतांत्रिक देश है मेरे को सेकुलर देश है आप लोकतांत्रिक देश है लेकिन राम इस देश का इतिहास है कृष्ण इस देश का इतिहास है देखिए महात्मा गांधी इस देश, देश का इतिहास है बदल कोई कैसे सकता है संविधान से ना आपकी आस्था से चलेगा ना मेरी बिल्कुल किसी की आस्था से नहीं चलेगा लेकिन औरंगजेब से नहीं चलेगा लेकिन औरंगजेब से भी देश नहीं चलेगा क्रूर औरंगजेब आखिरकार किसका मसीहा है मैं सवाल पूछता हूं व्यूअर्स आप ट्विटर पे अपनी राय दें लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी द बॉटम लाइन इज दिस कि हमारे देश में औरंगजेब के समर्थक मिल जाते हैं बुरान वानी के समर्थक मिल जाते हैं लेकिन क्यों नहीं समर्थक मिलता दारा शिखो का कोई क्यों नहीं समर्थक मिलते अबुल कलाम आजाद का कोई एपीजे अब्दुल कलाम का क्यों नहीं कोई समर्थक मिलता प्रोफेसर आगे बड़ा कारण है जिस दिन वो दारा जिस दिन वो अपने को दारा सिकोह के साथ पाएंगे जिस दिन वो अब, अब्दुल कलाम के साथ पाएंगे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के साथ उनकी अपनी आइडेंटिटी को उनको लगता है कि खतरा है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समाज है भारत के अंदर अपनी आइडेंटिटी को अलग करने के लिए भारत के बड़े समाज के साथ वो मिलना ही नहीं चाहता है आप देखेंगे जैसे एक मजाक में कहा जाता है बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा ये तो भारत की संस्कृति में है नहीं भारत का पहनावा तो है नहीं लेकिन चूंकि बाहर का पहनावा है तो वहां से हम आयात करते हैं टोपी वहां है तो इसलिए हम टोपी यहां पर होनी चाहिए दाढ़ी वहां की प्रकृति है वहां पर होना चाहिए जो हम लोग जो है वो लोटा लेकर के खेत में जाते हैं वो एक प्रकार का अरब में टोटी वाला जो है वैसे लेकर के खेत में पखने तो ये एक पहचान का जो प्रश्न होता है ये एक पहचान का प्रश्न है आपने देखा होगा कि सत्तर के दशक में लड़कियां जो है वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में बुरका पहन करके नहीं आया करती थी और इंग्लैंड में भी वो प्रचलन में नहीं था अफगानिस्तान के अंदर ये प्रचलन में नहीं था लेकिन अब आप जाकर के देखेंगे तो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लड़कियां वो बुरका पहन गया है ये अपने आप की आइडेंटिटी को एसर्ट करने का मैं आपसे अलग हूँ कहा जाता है ना भाई आप हमको मानते ही नहीं है अरे भाई ये हिंदू समाज तो हूनों को सबों को एक साथ किया लेकिन एक समाज ऐसा है जो कभी भी दुनिया में कहीं भी दूसरे समाज के साथ सह अस्तित्व के तौर पर रह ही नहीं सका है और इस समाज के अंदर की का ये है, है। मैं पे सवाल तो पूछ रहा हूं। नहीं इस प्रकार की मानसिकता में रह सकता है ये, ये सव... जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये सवाल किया था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई हम जो है वो जो ताजमहल है या उस समय के जो विरासत है उसको हम मानते हैं क्या भारत का मुसलमान महावीर जैन और हमारे तीर्थंकर उनको क्या अपनी विरासत का हिस्सा समझता है नहीं समझता है उसको मुसलमानों तो को, को रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन मैं रहमान का रहमान करता हूँ सब मुसलमानों के लिए कहा भी नहीं है आपने नहीं कहा भी नहीं है लेकिन इसको जनरलाइज करके भी नहीं है जो वारिशन लेकिन जनरलाइज करके भी नहीं बोला सकता है यू पॉइंट जनरलाइज करके भी नहीं बोला जा सकता मैं अतिकुर रहमान है रहमान आप भी मुसलमान हैं औरंगजेब को आप भी अपना मानते हैं या आपको लगता है कि औरंगजेब के साथ जोड़ना भारतीय मुसलमान के साथ अन्याय है जो लोग जोड़ते हैं मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है अमित जी हिस्ट्री से हमने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि हिस्ट्री से हमने कुछ नहीं सीखा मैं ये नहीं समझ पाता हूं जब कभी औरंगजेब और शिवाजी महाराज की बात आती है या इस तरह के ऐसे बादशाहों की बात आती है तो हम क्यों इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं मेरे पास लेटर्स हैं शिवाजी महाराज के बीच में और औरंगजेब के बीच में दूर दूर तक वहां पर कहीं ना कोई धर्म नजर आ रहा है और ना कोई मजहबी बात इस्लाम की बात नजर आ रही है जो सिपे सालार जो जंग किया करते थे औरंगजेब और शिवाजी महाराज की तरफ से औरंगजेब की तरफ से राजपूत हुआ करते थे और शिवाजी महाराज की तरफ से पठान हुआ करते तो आप थे, कहना क्या चाह रहे हैं तो ये तो रिलीजियस एंगल में आना ही नहीं चाहिए अब जब कभी मुसलमानों को या हिंदुओं को इस आग में झोंका जा रहा है इसका साफ मतलब ये है कि इसके पीछे है राजनीति जो लोग औरंगजेब अल रहमा कहने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग औरंगजेब को डेमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मैं सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं क्या शिवाजी महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए औरंगजेब को डेमोनाइज करना जरूरी है बगैर उसके क्या शिवाजी महाराज को आप पेश नहीं कर सकते अपने लोगों के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आपको जनता के सामने रखना चाहिए आज मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो है। अमित जी के कोलापुर के अंदर जब आग लगी हुई है कर्फ्यू लगा हुआ है नहीं नहीं एक, एक आप औरंगजेब के साथ है, या और है जी जो मुसलमान औरंगजेब के नाम के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं मैं क्योंकि मैंने कहा कि आज आग लगी हुई है उसको ठंडा होने दीजिए डिस्कशन बहुत होने देंगे सूफी सरमद को मरवाया था औरंगजेब ने अब वो सूफी सरमद जो सूफी सूफी से आते हैं सूफी लाइने से आते हैं उसको मरवाने के बाद में औरंगजेब को अच्छा बादशाह तो आप कह सकते हैं लेकिन औरंगजेब अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता तो जिसको रहमतुल्ला माजिद हैदरी